दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करना हूँ LG के 6360 PT 55 इंच वाले जो मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ इस टीवी को कंपेयर भी करेंगे View की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज के साथ MI 4X Pro से और JVC की 55 इंच वाले टीवी से। ये सब टीवी को कंपेयर करेंगे, बताएंगे सारे फीचर्स और क्यों LG का प्राइस इतना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर बजट टीवी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर मैं बात करूं 6360 PT 55 इंच वाले LG के जो टीवी है, अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, 20 वॉट का स्पीकर मिल जाता है, इथरनेट का केबल का पोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है इस टीवी में और ये 2018 में लॉन्च हुई टीवी है। इसमें वाईफाई एनेबल्ड आपको देखने मिल जाएगा और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई यूज कर सकते हो इस टीवी में। तो ये सारे फीचर्स आपको एक बजट टीवी भी देती है, लेकिन क्यों इसका प्राइस इतना ज्यादा है? आपने कभी सोचा है कि आपको सभी हमारे जितने व्यूअर सभी को एक क्वेश्चन आता है कि इस टीवी का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? अगर टीवी के प्राइस की बात करूं तो LG का जो CA मॉडल है इसकी प्राइस है कुछ 63,000 रुपीज फ्लिपकार्ट पे, 67,000 रुपीज के आसपास अमेजोन पे और इसकी LG की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो इसका प्राइस कुछ 99,000 रुपीज है। तो इसका प्राइस इतना हाई क्यों है, क्या रीजन है? तो अगर मैं कंपेयर करूं बजट टीवी से, View के प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज से, MI 4X Pro से, JVC में, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है, लेकिन ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको LG इतने ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है? तो आप वो डिस्कस करते हैं और डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होगा पिक्चर क्वालिटी को लेके। तो पिक्चर क्वालिटी में अगर LG की टीवी को मैं सामने रखूं, View की टीवी को रखूं, MI, JVC या बाकी जो भी ब्रांड्स को मैं रखूं, तो LG की जो टीवी है वो नंबर टॉप पे होती है पिक्चर क्वालिटी के मामले में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टीवी में पैनल। तो इस टीवी में IPS पैनल यूज हुआ है। अब आप बोलोगे View में भी है IPS, A ग्रेड का IPS पैनल यूज हुआ है, और दूसरी तरफ मैं बात करूं JVC में तो JVC में भी आपको A+ ग्रेड डॉट सैमसंग स्क्रीन विथ क्वांटम बैकलॉट टेक्नोलॉजी अलर्ट पैनल देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं MI 4X Pro में तो MI 4X Pro में पैनल VA भी मिल सकता है, IPS भी मिलता है, तो ये श्योर नहीं है इसमें। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको फुल डिटेल में देखना है कि मैंने उसमें क्या बताया हुआ है तो यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करके अच्छे से वीडियो देख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट होगा LG की टीवी में एक्टिव HDR भी है। तो भैया अब ये एक्टिव HDR होता क्या है? तो एक्टिव HDR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा होने लगा, कलर आप काफी रेज दिखेंगे, काफी विविड दिखेंगे, अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो का वैल्यू इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ LG ने। और दूसरी तरफ मैं बात करूं View की टीवी में तो View में भी 1:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जाएगा, JVC में 2:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और MI 4X Pro की तो बात ही मत करो, उसमें तो 1:12 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। तो यहां पर LG अगेन पॉइंट नंबर 1 पे जाता है जिसमें इसको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। तो 2 पॉइंट हो गए LG के लिए। इसी के साथ साथ LG की टीवी सपोर्ट करती है वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ HDR, जिसमें आपका HDR 10 Pro और HLG Pro, इसके थ्रू आपका जो पिक्चर क्वालिटी एकदम टॉप एंड पे होता है, मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते कितना अच्छा क्वालिटी LG, अच्छा पिक्चर क्वालिटी LG प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर इस चीज के पैसे लेता है आपसे LG। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज है LG की टीवी में, मैंने बताया कि आपको 4K एक्टिव HDR देखने मिल जाएगा, View की टीवी में प्रीमियम पिक्चर विद डॉल्बी विजन प्लस HDR 10 एंड 4X अपस्केलिंग मिल जाता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने मिल जाएगा। अगर मैं View और LG में कंपेयर करूं तो पिक्चर क्वालिटी View और LG की लगभग सेम तो नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं है, काफी डिफरेंस है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है अच्छी है दोनों की। अगर JVC की टीवी में तो JVC की टीवी में सिर्फ आपको HDR मिलता है, इसमें HDR 10 भी नहीं मिलता, और MI की टीवी में आपको एटलीस्ट HDR 10 मिलता है जिसके थ्रू आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल जाए। तीसरा पॉइंट होगा ThinQ AI को लेके। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिलता है जिसके थ्रू आप वॉइस के थ्रू टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई View की टीवी में मिल जाता है, MI की टीवी में मिल जाता है, लेकिन JVC की टीवी में नहीं मिलता, तो यहाँ पर JVC माइनस पॉइंट में, बाकी सब टीवी एक ही लेवल पे आते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ वॉइस एनेबल रिमोट की, तो आपको इस टीवी में LG की टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है, साथ ही के साथ ब्लूटूथ मिल जाता है, और उसमें एक ऐसा फीचर है
जिसके थ्रू आपका जो सेटअप बॉक्स का रिमोट और टीवी का रिमोट एक ही कन्वर्ट कर सकते हो, जो ये फीचर आपको कोई भी टीवी नहीं देती, वीयू भी नहीं देता, जेवीसी वाले भी नहीं देते, एमआई वाले भी नहीं देते। तो यहां पर अगेन इस चीज के पैसे वो चार्ज कर रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर रहे हो, जिसके थ्रू आपको सबके जितने भी डाउट्स है क्लियर हो जाए कि भाई एलजी वाले इतना प्राइस क्यों हाई रखते हैं, या ऐसी क्या बात है, या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसका वो लोग इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको एलजी की टीवी में एक रिमोट मिलता है, जो रिमोट में एक अच्छा फीचर है वो स्क्रोलर का है। उस स्क्रोलर के थ्रू आप अच्छे से नेविगेट कर सकते हो सारे ऑप्शन के लिए। तो ये आपको अदर टीवी में देखने नहीं मिलेगा, व्यू में भी नहीं मिलेगा, जेवीसी में भी नहीं मिलेगा और एमआई में भी नहीं मिलने वाला। और बात कर ले इसके कंटेंट प्रोवाइडर की, तो एलजी की टीवी में अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इसी के साथ साथ हंगामा, एरोस, इस सारे के सारे एप्स परफेक्टली चलने वाले और इस टीवी में प्री इंस्टॉल आते हैं। लेकिन वीयू की टीवी में आपको नहीं देखने मिला क्योंकि वो ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है। दूसरी तरफ मैं बात करूं जेवीसी में आपको ये सारे कंटेंट प्रोवाइडर मिल जाएंगे, ले क्योंकि ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी नहीं है। और बात कर ले अगर एमआई की, तो एमआई भी ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, इसलिए आपको उसमें Amazon Prime, Netflix नहीं देखने मिलेगा। लेकिन आप ये सभी टीवियों में साइड लोड कर सकते हो। साइड लोड का मतलब होता है कि आप एक एपीके लाओ, टीवी में कनेक्ट करो और उसको इंस्टॉल कर लो, लेकिन वो एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस आपको इसमें वैसा देखने नहीं मिलेगा जो टीवी में प्री इंस्टॉल आते हैं। दोस्तों बात कर ले ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एलजी की टीवी में आपको वेब ओएस देखने मिलता है और बाकी सब बजट टीवी में आप देखोगे तो आपको एंड्रॉइड ओएस देखने मिलेगा। तो वेब ओएस और एंड्रॉइड ओएस में डिफरेंस ये होता है कि जो वेब ओएस का परफॉर्मेंस है काफी फास्ट होता है, टीवी बूटअप होने में ज्यादा टाइम नहीं लेती। लेकिन अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड टीवीज की या एंड्रॉइड बेस्ड टीवीज की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बूटअप होने के लिए। तो यहां पर परफॉर्मेंस वाइज एलजी फास्ट है एज कम्पेयर टू बजट टीवीज। दोस्तों अगला पॉइंट होगा मल्टीटास्किंग फीचर को लेके, तो एलजी की टीवी में आपको एक मल्टीटास्किंग फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप टीवी देखते हो, आपको समझ लो सर्फिंग करना है तो आप वो सर्फिंग कर सकते हो और बाकी जो टीवी का पार्ट है वो साइड में छोटा सा हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा या एक्स्ट्रा फीचर बोल सकते हो एलजी की तरफ से, बाकी सब टीवीज में आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। बात कर ले टीवी के वारंटी की, तो एलजी की टीवी आपको 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देती है और प्लस 1 साल पैनल पे भी देती है। तो यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है एलजी की तरफ से। और दूसरी तरफ मैं बात करूं अदर ब्रांड में, तो आपको सिर्फ 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो यहां पर अगेन आपको वारंटी भी मिल रही है 1 साल एक्स्ट्रा, वो भी पैनल के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टीवी में। और दोस्तों बात कर लूं वॉल माउंट की, तो एमआई की टीवी में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा वॉल माउंट के लिए। जेवीसी में आपको मिल जाता है बॉक्स कंटेंट के अंदर ही, व्यू में भी मिल जाएगा और एलजी में भी मिल जाता है। लेकिन एलजी की जो टीवी का वॉल माउंट है वो मूवेबल है। मूवेबल का मतलब ये होता है कि आप समझ लो टीवी आपने लगाई हुई है इस ढंग से, आपको चाहिए कि आप आगे करके कुछ पोर्ट लगाना है या साफ करना है, तो ये आप काफी हेल्प करेगा ये वॉल माउंट। बाकी सब टीवियों में आपको एक स्टैटिक वॉल माउंट मिलता है और एलजी की टीवी में आपको मूवेबल वॉल माउंट मिलता है। तो अगेन यहां पर इस चीजों का पैसा आप लोग से वो चार्ज कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं और क्यों एलजी इतना चार्ज कर रहा है या उसके प्राइस इतने ज्यादा क्यों होते हैं एलजी ब्रांड के। तो आपको काफी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हो गूगल असिस्टेंट को लेके, तो एलजी की टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट भी मिलता है, लेकिन वीयू की टीवी में आपको वॉइस अनेबल रिमोट मिलेगा लेकिन उसमें गूगल असिस्टेंट नहीं होता। वॉइस अनेबल और गूगल असिस्टेंट में जमीन आसमान का फर्क है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। और आपको एमआई की टीवी में गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, जेवीसी की टीवी में गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता, ना ही उसमें वॉइस अनेबल रिमोट मिलता है। तो अगेन यहां पर एमआई और एलजी एक लेवल पे बोल सकते हो फॉर स्पेसिफिक दिस पॉइंट के लिए। दोस्तों बात कर ले साउंड आउटपुट की, तो एलजी की टीवी में और एमआई की टीवी में जो साउंड आउटपुट है 20 वॉट का दिया हुआ है, वीयू की टीवी में 24 वॉट का है और जेवीसी की टीवी में 50 वॉट का। तो यहां पर जेवीसी का जो साउंड आउटपुट है 50 वॉट एज कम्पेयर टू बाकी सब टीवी में ज्यादा है। तो बात करो साउंड टेक्नोलॉजी की, तो एलजी की टीवी में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है डीटीएस वर्चुअल एक्स, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको मल्टी डायमेंशनल ऑडियो एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू की टीवी में, तो वीयू में डॉल्बी डिजिटल प्लस टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और अगर बात करो जेवीसी में, तो जेवीसी में आपको थिएटर डीटीए का टेक्नोलॉजी यूज हुआ है और एमआई में डीटीएस टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज है।
लेकिन जो एलजी की टीवी है जिसमें जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसमें आपको बहुत अच्छा ऑडियो डेप्थ इफेक्ट देखने मिल जाएगा, अच्छे बास मिलेंगे, और इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा साउंड बार या फिर होम थिएटर की जरूरत होगी, लेकिन बाकी सब टीवी में आपको शायद लगाना पड़ जाए। दोस्तों बात कर ले स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट की, तो एलजी की टीवी में आपको 50 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रेट देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू, एमआई और जेवीसी में, तो तीनों ही टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा। कर ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो एलजी की टीवी में आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, वीयू की टीवी में भी ब्लूटूथ मिल जाएगा, जेवीसी में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, और एमआई की टीवी में ब्लूटूथ मिल जाएगा। तो तीनों टीवी में मिल जाएगा, लेकिन जेवीसी की टीवी में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट जेवीसी के लिए। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स है जिसके लिए आपको एलजी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है, और एक एलजी वेल नोन ब्रांड है, वीयू एमआई ये सब भी डेवलपिंग स्टेज पे है, लेकिन एलजी ऑलरेडी एक डेवलप्ड ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए इस चीज इस ब्रांड के प्राइस हमेशा आपको ज्यादा ही मिलने वाले हैं। यहां तक कि आप उसके फुल एचडी टीवी को भी कंपेयर करोगे तो हमेशा एलजी के प्राइस ज्यादा ही होंगे। वीयू, एमआई, जेवीसी, हिंको, जो भी अलग अलग ब्रांड्स है, ये सभी को कंपेयर करने के बाद हमेशा ये सब वेल नोन ब्रांड के प्राइस ज्यादा ही होते हैं। जैसे वेल नोन ब्रांड में आपका एलजी आ जाता है, पैनासोनिक आ जाता है, सोनी आ जाता है, सैमसंग आ जाता है, ये वेल नोन ब्रांड है, और ये सब के प्राइस कभी भी कम नहीं होने वाली। दोस्तों यही थे सारे फीचर्स एलजी टीवी के बारे में, और मैंने कंपेयर किया वीयू, जेवीसी, एमआई सारे टीवीज को, और आपको उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। फिर भी अगर कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव है यार, या आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन रखा है मैंने। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं उन सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख जाएगी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स आते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो कौन से आने वाली है, नया वीडियो अपडेट हो गया है, अपलोड हो गया है, और बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।